अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ड्राइवर के ऊपर ही आज की हमारी वीडियो है, जिसमें मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि अभी मेरी कंपनी में जो है एक अर्जेंटली एक ड्राइवर की ज़रूरत है। ठीक है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। सैलरी क्या हो सकती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या हो सकती है, वीज़ा कंपनी देगी या नहीं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो बाद में मैं जो है अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसे मेरे भाई जो कि ऑलरेडी यूएई में, उनका एक्सपीरियंस है, उनको लोकेशन का मालूम है, तो वो जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो शॉर्ट सी वीडियो है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। और ऐसे मेरा भाई जिनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ऑलरेडी यूएई में है, उनको लोकेशन का मालूम है, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोस्तों को जॉब की डिटेल बताता हूँ। आपको पता है कि इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है ड्राइवर के ऊपर, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अगर आप जो है एज ए VIP ड्राइवर काम करते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये समझ लें वही जॉब है, आपको एज ए VIP ड्राइवर के तौर पर काम करना पड़ेगा। जो ओनर होगा उसका एज ए पर्सनल ड्राइवर आपको बनकर जो है काम करना पड़ेगा। तो गाड़ी जो VIPs होती हैं, जिस तरह मर्सिडीज़ होगी, बेंज वगैरह और रोल्स रॉयस और इसके अलावा लेक्सस वगैरह, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर आपको ये गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो ड्यूटी टाइमिंग इसमें देखें क्या होता है कि इसमें ड्यूटी टाइमिंग आप ये समझ लें कि कोई फिक्स ड्यूटी टाइमिंग नहीं होती, आपको जो है आपका जो बॉस है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। हो सकता है वो सारा दिन कहीं ना जाए, आप बिल्कुल फ्री होंगे, हो सकता है वो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहे, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इसमें जो है लंबी ड्यूटी नहीं होती, हाँ ये सिर्फ टाइमिंग का इशू होता है, कभी हो सकता है उसको रात को एयरपोर्ट पर जाना पड़े तो उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। तो आपको जो है एज ए पर्सनल ड्राइवर काम करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले उन दोस्तों को जो है थोड़ा सा प्रेफर किया जा सकता है जिनको जो कोरियन लैंग्वेज आती है, क्योंकि ये ओनर जो है कोरियन ही है। और मैं तो खुद भी आपको पहले भी बताया था कि कोरियन कंपनी में ही काम करता हूँ, और इस वजह से यहाँ पर जो मोस्टली कोरियन होते हैं ना, इनको समझ लें कि 99% जो इंग्लिश का जो इशू होता है। इसलिए सबसे पहले तो उनकी यही कोशिश है कि ऐसा आदमी मिल जाए जिसको कोरियन लैंग्वेज आती हो। सपोज़ करें यहाँ पर आप दोस्तों को बहुत से ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि साउथ कोरिया में रह के आए हैं, उनको लैंग्वेज भी आती है और यहाँ पर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, लेकिन जारी सी बात है उनको सर्च करने में टाइम तो लगता है। तो सबसे पहले तो जो है उनको प्रेफर किया जाएगा, अगर ऐसा कोई भाई है जिसको कोरियन लैंग्वेज आती है, यूएई में है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, अगर देखें इनके इस तरह का कोई आदमी नहीं मिलता, तो फिर ऐसे आदमी जो कोई बिल्कुल यूएई की सारी लोकेशन का उनको मालूम है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इंग्लिश आती है, तो वो भी चल सकता है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को ही जो है प्रेफर किया जाएगा जिनको कोरियन लैंग्वेज आती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, वहाँ पर आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो है मेरा इंस्टाग्राम जो नज़र आ रहा होगा उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो आप अपना नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको जो है कॉल कर लूँगा। तो ये छोटी सी वीडियो बेसिकली मैंने इसीलिए बनाई है कि ऐसे मेरे भाई जो कि यूएई में है और उनके पास लाइसेंस है, तो हो सकता है उनका इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो जाए। और काइंडली आप जो है एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस तरह की मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, अगर आप में वो है तो ही आप जो कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अगर उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है तो वो भी सारे के सारे कॉले करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं तो वो आप में अगर हैं, आपका एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अर्सा आपने यूएई में गुजारा है, रोड्स का हर चीज़ का आपको पता है, तो ही आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए जो है चांसेस कम है, तो आप जो है काइंडली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर आप जो हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर मैं नंबर इसलिए नहीं शो कर रहा, जब किसी को हायर कर लिया जाएगा तो स्क्रीन पर ये जो नंबर है वैसे का वैसे चलता रहेगा, और उसके बाद भी मुझे मैसेजेस आते रहेंगे, इसकी वजह से मैं स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन में बाद में मैं वहाँ से नंबर रिमूव कर सकता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप में ये स्किल मौजूद है, तो काइंडली आप जो कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके बताइए, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को इंटरव्यू करवा सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि आप में ये स्किल है, आपकी ड्राइविंग अच्छी है, लोकेशन का मालूम है, स्पेशली अगर आपको कोरियन आती है, तो आप ये 99% समझ लें कि आपकी जॉब यहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो बाद में कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी आप जो हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।